तो गाइज, हमको जॉब के लिए कितना दूर आना पड़ता है? गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? स्वागत हो चुकी है, आज दिन की शुरुआत हो रही है ये साई तकड़ी से। हम आज आपको ले चल रहे हैं ऊपर, तो बने रहे ब्लॉग में, आगे मिलेंगे। दो पार्टनर हमारे पीछे रह गए हैं, उनका वेट करते हैं थोड़ी देर, फिर चढ़ेंगे ऊपर। बाकी हमारा एक आदमी देखो क्या मल रहा है, तो वहाँ पे चल रहा है मोर टॉप पे। ये 5-7 मोर चल रहे हैं वहाँ पे। और अब दिखाते हैं हम आपको मिनी ड्रोन शॉट, बने रहो वीडियो में आगे तक। तो मिनी ड्रोन शॉट देखने के लिए आप बने रहो हमारे साथ। ये उड़ा हमारा ड्रोन। बहुत सारे बगलू उड़ गए हैं, बगलू बोलते क्या बोलते हैं इनको, बगुला। ये यहाँ पे चल गए हैं फेसबुक पे लाइव। अरे अपना एक फेसबुक पेज भी है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। उत्तराखंड से हूँ, UK03 से है। उस पे भी हम कभी कभी कुछ वीडियो अपलोड कर देते हैं। चलो चलो। तो ये है शहर, यहाँ से शहर का व्यू, और यहाँ से आएंगे हमारे पार्टनर। अभी क्या मालूम कहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पे देखो सारे प्लॉट बिक्री हो गए हैं, पहले पूरा जंगल झाड़ी था यहाँ पे, अब ऐसा हाल हो गया है। आने वाले टाइम पे सब यहाँ पे बिल्डिंगें बन जाएंगी। और ऊपर तो चढ़ने की दिक्कत आ रही है बोल रहे हैं। और यहाँ पे हमको एक ये फ्रूट्स मिल गया है, क्या मालूम क्या है ये। खाने में अंदर से लग रहा है लीची के जैसा, मगर ये अजब टेस्ट है इसका। बहुत सारे लगे हैं ये, अंदर से वैसे है देखने में लीची के जैसा ये। मज़ा नहीं है इसको खाने में, हल्का मीठा है। बाकी हमारे फेसबुक लाइव पेज वाले कहाँ पहुँच गए हैं ये, चलो भागो। ये देखो, ये है हमारा हीरा, इसको बोलते हैं डांसी। डांसी तो, मतलब डायमंड। हाँ डायमंड ही हुआ है। खोली बिगायो डांसी ले, देश बिगाड़ो शराब ले, पहाड़ बीनी ले, झुंझुरे ले। वाह, तिंगनी 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 कोराल है। और इसको जंगल में जंगली रहेगा, और यहाँ पे लोग इसको दशहरे में, इसकी बहुत मान्यता है, इसकी पूजा पाठ में लिया, पूजा पाठ में लिया जाता है। और हमारे यहाँ इसको जानवर खाते हैं, और इसको इंग्लिश में कचुनार बोलते हैं। इसका अचार भी बहुत अच्छा रहता है। या इनके द्वारा जानकारी दी है आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। बाकी हम निकल पड़े हैं एडवेंचर करने। यहाँ पे रणैला के काना बुड़ रहे हैं, सिमरी के काना बुड़ रहे हैं। क्या मिल गया, रदगेड़ी भी मिल गया है यहाँ पे। रदगेड़ी ये होता है, रदगेड़ी कहाँ से मिला ये, यहाँ पे मिला था मेरे को पता नहीं कहाँ। तो वो रदगेड़ी जो कह रहे थे हम, उसका पेड़ भी मिल चुका है हमको। ये यहाँ पे ढेर सारे लगे हैं, ये देखो। इसको खाते भी हैं शायद, ये कोई फल है इसको खाते हैं, और इसका नाम नहीं मालूम मेरे को। ये है रदगेड़ी। तो गाइज, आपकी बचपन के दिन याद आने वाले हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है,
ये रतगिरी ऐसी चीज है कि इसके आँख में डालने से आँख का जितना भी कचरा होता है कुछ भी, या मिट्टी वगैरह कुछ भी गई होती है तो ये मिट्टी को निकाल देता है। देखो इसको हम लोग आँख में डाल के ट्राई करेंगे। इसको साइड से डाला जाता है ऐसे। ये देखो मेरी आँख में दिख रहा है आपको? चले गया आँख में। ये देखो ये तो बचपन में हम लोग बहुत डालते थे, इसलिए हमारी आंखें बिल्कुल एकदम क्लियर हैं, बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल भी ट्राई मत करना, आपकी आंख जा सकती है गाइज, रिस्की हो सकता है। कौन से साइड आ गए हैं हम? रॉन्ग साइड में आ गए हैं हम लोग। अभी दूसरे साइड जाना पड़ रहा है हमको, यहाँ से चढ़ने को नहीं हो रहा है। एडवेंचर करने निकले थे, रास्ता भटक गए हैं। अभी दो कदम रह गए थे, रास्ता थोड़ा सा भी मिल जाता तो ऊपर पहुंच जाते थे हम। इधर से घुस जाएंगे शायद। इधर से घुसने की जगह है, कांटे हैं, कांटे कांटे के बीचों से निकलना पड़ेगा। अब एडवेंचर करने निकले हैं तो करके ही छोड़ेंगे ना। अरे ये देखो, ये देखो, ये देखो, पंछी का घोंसला मिल गया है। अब इनका अंडा भी दिखाते हैं हम आपको। तीतर, तीतर को क्या बोलते हैं हिंदी में? अरे बाप रे, वो तो छेद से भागे हैं। ये देखो हम कहाँ पहुंच गए हैं, पूरा जंगल एकदम। रुक जाओ, हम भी आ रहे हैं। पहाड़ चढ़ने के लिए बोलो इनको, चढ़ जाएंगे, मगर सुबह सुबह ग्राउंड में जाने को बोलते हैं हम। थोड़ा जो इनका MRF का टायर है वो कम हो जाए सोचते हैं हम। नहीं तो मिनी ड्रोन शॉट को एंजॉय करिए आप। ये कुछ इस तरह है यहाँ का नजारा। अब हम दौड़ेंगे ऐसे ड्रोन कैमरा के साथ साथ। ये देखो कितना चढ़ाई होता है यहाँ पे। देखो हम कितना हाइट पे पहुँच गए हैं। हमको ये धूप लग गया है। अभी हम इधर ऐसे पहाड़ पे लगे हैं कि हमारा धूप ऊपर ही है अभी तक, ये ख़त्म नहीं हो रहा, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है हमारा यहाँ। बाकी हम दो हैं और कोई नहीं हमारे सिवा। अब लग चुकी है धूप यहाँ से ऐसा है, औरंगाबाद का व्यूज ऐसा है। अभी कल परसों बारिश हुआ था, थोड़ा हरा भरा दिखने लग गया है। तो गाइज अभी हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ का नया वाला हाईवे जो अभी अभी बना है, और एरोप्लेन में जा रहा है। जो पार्टनर थे वो धोखा दे गए, आए नहीं। हम उनके चक्कर में आराम आराम से आए, मगर वो आए नहीं, समझ रहे हो। तो ये इधर का नज़ारा कुछ इस तरह का है। ये नया वाला हाईवे है। ओ एरोप्लेन वहाँ जा रहा है। ये यहाँ से ये पूरा संभाजीनगर दिखता है। पानी वो बारिश का पानी जमा होता है, वो उधर से फिर मोटर के द्वारा खेतों में डाला जाता है। ये हमारा ड्रोन उड़ गया है यहाँ पे। ये अरे दीवा, तो बैक एरिया का व्यूज कुछ इस तरह का है भाई। यहाँ पे थोड़ा खेती वेती ज़्यादा है, पानी तो बारिश का जमा हो ही जाता है। और सिउड़ो लौटी आयू अपना देश, परदेश छाड़ी नीला गान परदेश मामंच पहाड़ी। मक्खी देखो, मक्खी
चौमास में लगते हैं अपने पहाड़ में, ऐसा मक्खी यहाँ अभी से लगना चालू हो गया इतना सूखा सूखा होने के बाद भी। ये अब यहाँ से उतरने का है हमको। ये बाजू वाला गांव इस तरह है। तो गाइज हमको जॉब के लिए कितना दूर आना पड़ता है, ओ दूर 2400-2500 किलोमीटर दूर से। अब मन किया पहाड़ घूमने का, अभी जा नहीं सकते, जब टाइम होगा तभी जाएंगे। अभी आए हम पहाड़ पे घूमने। अब घूमते घूमते अब पहाड़ी गाने तो याद आ जाते, छबेली न्यौली, अब वो भी हम इधर गुनगुनाएंगे थोड़ा। पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। स्पेशल लाया हूँ मैं आज छबेली गाने वाले आदमी को, एंजॉय हो सके आपका। बाकी आगे मिल। हेलो दोस्तों, आज हम घूमने आए हैं महाराष्ट्र के साई टेकड़ी में। अब हम ठहरे पहाड़ी, क्या करें, हमारा भी मन थोड़ा थोड़ा पहाड़ों की याद में भटक जाता है। अब क्या करें, अगर पहाड़ में घूमने गए तो फिर पहाड़ी मन कैसे मानेगा बिना न्योली और छबीली गाए हुए। क्या करें, मन कर लेता है। अभी हम भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी गा लेते हैं। ओ हापू रब जानी धूरा रो काड़ी, ओ मन में सिया छयो बगी कर मधु कारी। ओ बाट मैं इमली को रुख भगी, ओ इमले टिपी कोना, ओ जनसु के पहाड़ को पानी भगी, फिर पाड़े उना और योड़ी कहला चली, कागज की पूड़ी माँ मैं कसे क्या नाचुली, सांगुड़ी बाटी मार योड़ी कहला चली, कागज की पूड़ी माँ मैं कसे क्या नाचुली, सांगुड़ी बाटी माँ। ओ हो कालीगांगे को कालो माचो भागी, ओ भागे बोलो बाबू कुछ, ओ कले माया पड़ी बगी, यो लालू कुछ सालू को रेट कप बास जेठ मैसले मामूल हो च भाई लोग बकतुले भेट। आज तेरी मेरी बेटा है जैसी जेठ। हेलो दोस्तों, आज हम पहाड़ में घूम के हमारे को मजा आ गया, ऐसा लगा आज हम अपने ही उत्तराखंड में घूम रहे हैं। इतना हरा भरा दिख रहा है, मैं यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, बरसात के मानसून के टाइम में ही बारिश होती है, यहाँ फिर भी इतना हरा भरा होने के कारण हमारे को ऐसा लगा हमारा उत्तराखंड ही घूम रहे हैं हम लोग। यहाँ पहाड़ों में देख के इतना मज़ा आया, मतलब ऐसा लगा कि हम लोग
एकदम पहाड़ में बांज के जड़ों के नीचे बैठे हुए हैं, बांज के पेड़ों के नीचे, ऐसा लग रहा है कापल के पेड़ों के नीचे बैठे हुए हम लोग कापल खा रहे हैं। हमारे को यहाँ एक से एक चीज़ें मिली देखने के लिए। अब क्या करें, अब हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी 8 बजने वाली हैं और हम जाते हैं अभी घर पे, अभी हमारे को ड्यूटी भी जाना है। अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉक में, धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद, सब्सक्राइब करें। घन बजा दिया महाराज, घनो। अब मेरे घर से फोन आ गया है, अब हम घर पे बात कर लेते हैं। तो गाइज फाइनली अब इस पहाड़ को बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। यहाँ आके हमने बहुत इन्जॉय करा, और न्योली कैसी लगी इनकी कमेंट तो ज़रूर करके बताना, क्योंकि अगली बार जब आएंगे ना पूरा तैयारी के साथ आएंगे, धमाका कर देंगे, तहलका मचा देंगे वो वाली पहाड़ी पे। हेलो ब्रो, गाना कहाँ से है? अब हमको जाना कहाँ से वो मालूम नहीं पड़ रहा, आगे चलो। अरे बाप रे, उधर से वो उधर से आए थे, हम इधर से जाना पड़ेगा, ये नीचे से चलते हैं। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारा फेसबुक पेज भी है, उत्तराखंड से हूँ UK03, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी आएगा वीडियो, इस पर भी आएगा। तो गाइज वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।